एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की घटे कोटिया पैरा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुबीर। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। के सम्राट को बार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना, गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
भारत देश की ऋषि मुनियों की पवित्र धरती अवतार भूमि महान पुरुषों की धरा उत्तर प्रदेश जहां राम कृष्ण तुलसी कबीर ने अवतार लिया था उस धरती को प्रणाम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी बेवर के निकट ग्राम चंदीपुर अनन्य भक्त श्री शैलेंद्र यादव जी जो कि राम स्वरूप यादव जी के सुपुत्र हैं उनके भाई ओंकार यादव श्री विपिन यादव शैलेंद्र का बेटा कौरव और शैलेंद्र की धर्मपत्नी विनीता और उनके घर की सभी माताएं बहनें सबकी श्रद्धा भाव से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से ग्रामवासियों की पूर्णी प्रताप से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है जिसकी आज पूर्णा होती है। मुदमंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों बड़ी प्रसन्नता की बात है श्री शैलेंद्र यादव और उनका परिवार अत्यंत श्रद्धावान और करुणावान है। मैं उनके भावों को देखता हूँ तो मैं भी प्रभावित हो जाता हूँ कि भक्ति के सच्चे स्वरूप को वो चरितार्थ करते हैं। उनके रिश्तेदार बेवर के बहनोई परिवार अवधेश कुमार जी उनकी भी बहुत आस्था है अवधेश कुमार और सुमन देवी खड़े खड़े ये हैं ताली बजाते इनका मन है आपकी कृपा होगी तो बेवर में और एटा में दो जगह प्रवचन कराऊंगा। ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थ आश्रम को यदि धन्य बनाना हो तो क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन को धन्य बनाने के लिए चाणक्य ने बहुत बड़ा श्लोक कहा है और दूसरा प्रश्न पूछा गृहस्थाश्रम को तुलसीदास ने नाना जंजाला कहा है तो ये नाना जंजाला क्यों हो गया ये आश्रम इसको गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। वस्तु में गृहस्थाश्रम
एक जिम्मेदारियों का आश्रम है। संत आश्रम में मुख्य रूप से दो जिम्मेदारी होती है, आत्म कल्याण करने की जिम्मेदारी संत की और लोक कल्याण यानी समाज सुधार की जिम्मेदारी भी संत की होती है। जिस संत के द्वारा समाज में सुधार नहीं हो रहा है और समाज की रोटी खा रहा है, वह संत समाज का ऋणी होता जा रहा है। संत को समाज की रोटी पूड़ी खीर दाल चावल सब्जी ये तभी खाने का अधिकार है जब इसको खाने के बाद जो ऊर्जा बने शक्ति बने उस शक्ति के द्वारा समाज का सुधार करने का अभियान चलाए। गृही की दरिया में बड़े बड़े दांत करो भजन नहीं फट जाएगी आंत। गृहस्थ की रोटी बड़े कष्टों के बाद वो रोटी का इंतजाम करता है और उस रोटी को किसी संत को प्रेम से खिला देता है। संत उस रोटी की ऋण से पूर्ण होने के लिए उसे अखिल मानव समाज को संस्कार देने के लिए समाज को सुधारने के लिए घर गृहस्थी परिवार का कलह क्लेश मिटाने के लिए ज्ञान गंगा प्रवाहित करना चाहिए। हवन कुंड करे न करे कुंडी यज्ञ हो न हो लेकिन लाखों लोगों की इस मुंडी में खोपड़ी में जो कचरा भरा है ये ज्ञान की अग्नि में जलाकर राख कर देना चाहिए और लोगों के जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये संत की जिम्मेदारी है। कई संत भी नहीं समझते हैं हमारी सेवा लोग क्यों कर रहे हैं, ये कुछ नहीं जानते, लेकिन इसको जानो। यदि हे संत तुम प्रवचन नहीं कर पाते हो संतों, तो अपने आचरण से अपने वाणी से अपने सुंदर स्वभाव से अपनी रहनी गहनी से समाज के चरित्रों को सुंदर बना दो, लोगों के स्वभाव को सुधार दो, क्योंकि प्रवचन से सुधार होता है लेकिन जो हमारा चरित्र है बैठना उठना चलना फिरना सफाई शुद्धता बोलना चलना खाना पीना ये सब ढंग, इससे भी समाज को प्रेरणा मिलती है कि गुरुदेव क्या खाते हैं, गुरुदेव कैसे साफ सुथरा रहते हैं और गुरुदेव कैसे बैठते हैं, गुरुदेव कैसे हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव कैसे खुश रहते हैं, हमको भी ऐसे खुश रहना चाहिए, इससे भी तो लोग सीखते हैं। तो संत का स्वभाव भी इतना सुंदर हो कि उससे भी लोगों को सीख मिल जाए और उसकी वाणी भी इतनी प्रखर मधुर हो कि उससे भी बोलने की कला लोगों को मिले और संत का चरित्र इतना चमकता हुआ सूरज के समान हो जिससे कि लोगों को अपने चरित्र को सुधारने की चुनौती मिल जाए और संत की रहनी यानी उसकी सहनशीलता विवेक नम्रता इतनी प्रबल हो कि अभिमानी भी विनम्रता को अपनाना शुरू कर दे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भक्त श्री रेमन दास साहू कह रहे थे हमको एक हाथ तो जुड़बे नहीं करे आज तक, कहला लेकिन तुमसे गुरुजी सीखन हाथ जोड़े गए क्योंकि आप खुद ही हाथ जोड़ दे तो हमका फिर मजबूरी में जोड़े पर तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। फिर अब बोले हम खूब जोड़ते हाथ, तो हमने कहा इससे फायदा हुआ, बोले फायदा पहले जहाँ देखो तहाँ लड़ाई नहीं हो जा रही, अब सबसे प्रेमर हो जाते बस हाथ जोड़े काम हो जाते। नम्रता हजार समस्याओं का समाधान करती है, अहंकार हजार समाधान के भीतर लाख व्यवधान पैदा कर देता है।
इसलिए नम्रता की नदी में स्नान कीजिए, अहंकार की चट्टान से अपनी जिंदगी को मत टकराइए। और जिस घर में विनम्र लोग रहते हैं, पत्नी विनम्र, पति विनम्र, माँ बाप विनम्र, देवरानी जेठानी सब विनम्र, कोमल लचीले स्वभाव, उस घर में कलह कलेश नहीं होता है, उस घर में राग द्वेष नहीं होता है, उस घर में आपस में बहुत प्रेम रहता है। और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ जो कुछ चाहते वो सब रहता है। प्रेम ऐसी चीज है, कल इस पर बहुत बताया था। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। तो गृहस्थ व्यक्ति संघर्ष बहुत करता है। जिस दिन से तुम गृहस्थी में प्रवेश करते हो, प्रवेश करना मतलब शादी करते हो, उसी दिन से तुम्हारे ऊपर वजन बढ़ जाता है। ऐसे शादी तो लोग करते हैं कि बहुत इसमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख उख तो अलग ही रह जाता है, इतना लोड हो जाता है कि सुख का कहूँ पता ही नहीं चलते है। लोग कहते हम कचरे जाए थे, बहुत जिम्मेदारी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की सामर्थ्य आपके अंदर है, आप अपनी ताकत को जानते नहीं हैं। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते काम। मैं बेंगलोर गया था, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ मेरी पधरूनी थी, एक घंटे की प्रवचन तो अग्रवाल जी के यहाँ गया था करने। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं सर्विस करता हूँ वो टाटा जी की कंपनी है, और इसमें 4 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं, 4 लाख। तो हमने कहा अच्छा। बोले दूसरी और कंपनी है उसमें भी करीब 5 लाख लोग है, 9 लाख लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस, इतनी बड़ी कंपनी टाटा जी की। अब ये टाटा एक इतनी सामर्थ्य रखता है कि 9 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेकर उनके परिवार का भी खर्चा दे रहा है, वेतन दे रहा है, और उनके ऐसे ऐसे सर्विसमैन हैं लगभग उसमें 7 लाख लोगों के पास कार भी है और फ्लैट मकान भी है। वो टाटा के यहाँ नौकरी करके इतना कमाया है कि फ्लैट में मकान और द्वार पर कार। तो सोचो टाटा की क्या स्थिति होगी, जब उनके कर्मचारियों का ये लेवल है तो टाटा जी का क्या लेवल होगा। अब टाटा जी समझ गए कि अपन तेज समारोह आप है, अपना तेज, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, एनर्जी, और इसको तुम यदि संभाल लो और ठीक से उपयोग करो तो तुम एक ही व्यक्ति इतने भारी पड़ोगे कि लाखों लोग तुम्हारी बुद्धि के डिसीजन से रोटी खा सकेंगे। यदि अपना तेज नहीं संभाल पाए तो तुमको अकेले की रोटी की भी टेंशन पड़ जाएगी, इसलिए अपने तेज को संभालो। ये हनुमान चालीसा क्या कहती है, आपन तेज संभालो आपे। वो आपको ही संभालना पड़ेगा, वो कोई लेबर नहीं संभालेगा तुम्हारा तेज। जिसमें वाणी को तुम संयमित करते हो तो वाणी में तेज पैदा होता है, ओजस्वी वाणी हो जाती है। जिस समय तुम अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत करते हो तेजस्वी मुखमंडल होता है आपका, और जिस समय तुम अपने कर्मों के तेज को संभालते हो तो तुम्हारे कर्म यशस्वी तुमको बना देते हैं, और जिस समय तुम अपना खाना पीना सोना जागना बैठना उठना चलना फिरना ये सब कुछ संयम नियम में बांध देते हो, ये सब चीजें तुमको तपस्वी बना देती है। और जब तुम तपस्वी तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी बनते हो तो तुम्हारा तेज तुम्हारी शक्ति सब संभलती है,
फिर तुम चाहे बिजनेस में लगो, चाहे पॉलिटिक्स में लगो, चाहे समाज सेवा में लगो, चाहे साधना मार्ग में लगो, चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थी करो, हर जगह तुम बहुत भारी पड़ जाओगे। हजार बाजार एक तरफ, तुम अकेले एक तरफ वजन पड़ जाओगे। इसलिए महिलाओं को भी अपना तेज संभालना चाहिए, कर्मों का तेज। आलस्य करोगे, कर्म आपके तेजहीन हो जाएंगे। गालियां बकोगे, आपकी वाणी ओझहीन हो जाएगी। ऊट पटांग बातें करोगे, ओझहीन ही हो जाओ। गंदी गंदी बातें करोगे, आपकी वाणी का ओझ समाप्त हो जाएगा। संभल कर बोलोगे, अभी जैसे वो राकेश सिंह चौहान यहां बोल रहे थे और स्वयं की रचना सुना रहे थे, वो कविताएं भी रचते थे। कल मेरे को सुनाया मेरे निवास पर, तो मैंने कहा ये भजन तो व्यास गादी पर सुना दो, सबको लाभ होगा। बोले सुना दूंगा। अब ये क्या है, अपनी वाणी को उन्होंने ओजस्वी बनाया। अगर तुम एक महीने अपनी वाणी से गाली मत पको और एक महीने तक ही साधना को करके देखो और कोई गंदी बातें मत करो, विषय शक्ति की बातें मत करो, ऊट पटांग की बात कही मत करो, तो एक महीने में ही जब तुम बात को एक महीने के बाद बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि वाणी नहीं है, अब तो ये अमृत वाणी हो गई है। अमृत वाणी, इस वाणी में तेज ओज और यशस्वी भी बनोगे। आपका नाम भी होना चाहिए। राम का नाम हुआ कि नहीं हुआ, हनुमान का नाम हुआ कि नहीं हुआ, लक्ष्मण का नाम हुआ। अभी लक्ष्मण की बात है कि मैंने चरण नहीं निहारे, चरण ही देखे, मैंने तो केवल चरणों को ही निहारा है, देखा है, मैंने देखे उनके कान नहीं, तो कुंडल की पहचान नहीं। बहुत बड़ी बात है। ये लक्ष्मण कितना महान व्यक्ति रहा होगा। आजकल का आदमी तो इतना चंचल है कि चरण तो कोई कोई दिखता ही नहीं है। वो तो लक्ष्मण नहीं है, वो सब रावण ही भरा अंदर है। रावण इतने क्यों जलवाए? ये दोहा हिला दिया लोगों को कि क्या देखना चाहिए। महान पुरुषों के चरण छूना चाहिए, आचरण की नकल करना चाहिए और उनके जीवन का दर्शन करना चाहिए। दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि केवल मुखमंडल का दर्शन करो, दर्शन का अर्थ है मुखमंडल के दर्शन के साथ साथ हमारे गुरुदेव के मुख की वाणी कैसी है उसको भी समझ लेना है। हमारे गुरुवर की दृष्टि कितनी सुंदर साफ है। गुरुवर इन कानों से कभी भी ऐसे वैसे शब्द नहीं सुनते हैं, हमको भी अब नहीं सुनना है। और गुरुवर ऐसा वैसा खाते नहीं है, नशा व्यसन ये वो सब इशारे से समझो। तो बस दर्शन का अर्थ है अब हमको भी ऐसा वैसा खाना पीना नहीं, असली दर्शन ये हो गया। और मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, ऐसे ऐसे देवी देवताओं का भी इसने खोज किया है जो दारू पीते हैं। देवता दरुहा देवता, वहां उज्जैन में एक भैरव बाबा है, उनका सब लोग दारू पिलाने ले जाते हैं। उनसे पूछो ये भैरव बाबा कहां जन्मे, कैसे पैदा हुए, कुछ उनका ठिकाना नहीं। दरुहा लोग अपने एक बाबा अलग पैदा करेंगे, भैरव बाबा। अब वो का खुद दारू पीना है तो एक दारू पिए वाला बाबा पैदा कर ले कि बाबा का दारू पियो तो के बाद खुद पियो तो कोई कह नहीं सकते कि भाई देवता दारू पिए तो हम पी तो बुरा क्या है। कोई देवता आज तक बीड़ी पी सी कोई ना तो क्यों पीते हो।
कोई नशा मत करना, बिल्कुल शुद्ध पवित्र। पैसे कमाओ और पैसे बचाओ, और बचे हुए पैसे से खुद को भी बचाओ। कहीं तुम्हारा ही बचा हुआ पैसा तुम्हें ही न बर्बाद कर दे। विजय मालिया ने बहुत पैसे कमाए, हवाई जहाज उनके खुद के चलते थे किंगफिशर नाम से, और उनका ही कमाया हुआ धन उनका पतन कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई ऐसा गुरु का ज्ञान नहीं मिला। इसलिए कितने धनवान हो जाओ, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ और कितना मान सम्मान मिलने लग जाए, लेकिन कोई गुरु की शरण ले लेना, क्योंकि बहुत बड़े धन के बीच में पहुंचने के बाद आपका मन कंट्रोल से बाहर होने लगता है। उस समय आपके मन को कंट्रोल करने के लिए कोई तेजस्वी महान गुरु होना चाहिए, जिसका ज्ञान तुम्हारे मन को भटकने ना दे। ऐसे गुरु के चरण में डोरी बांध लो अपने जीवन को। लोग समझते नहीं हैं, राम भगवान के पिता दशरथ महाराजा बहुत बुद्धिमान थे। बचपन में ही अपने बेटों को गुरु वशिष्ठ के चरणों में जोड़ दिया था। देखिए बुद्धिमानी उनकी, नहीं तो उनके बच्चे भगवान नहीं बन पाते, वो भी शैतान हो जाते, सब बिगड़ जाएगा संस्कार। और जब बच्चे जवान हुए तो विश्वामित्र से जोड़ दिया, क्योंकि राजा दशरथ समझते थे गुरु वशिष्ठ केवल भक्ति ज्ञान संस्कार दे सकता है। विश्वामित्र पूर्व समय में राजा थे, उनको अस्त्र शस्त्र चलाना भी आता था। तो बोले विश्वामित्र को सदगुरु बनाइए, अब इनकी संगत कीजिए, क्योंकि तुम महाराजा दशरथ पुत्र हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान वशिष्ठ से और शस्त्र ज्ञान विश्वामित्र से, वो भी लीजिए। और अब तुम नवयुवक हो रहे हो, इसलिए विश्वामित्र का ज्ञान अब जरूरी है, ये संभालेंगे आप। आप किसी पंथ में गुरु हैं, इसमें बहुत पंथ के शिष्य बैठे बैठे हैं कि नहीं बैठे? बहुत पंथ, बहुत उनके गुरु, न जाने किसका गुरु कौन कौन कहाँ कहाँ है। लेकिन ये सारा बंधन छोड़ करके कि ये जो संत जी आए, इनकी भी वाणी सुने, उनके गुरु महान हैं जो अपने शिष्यों को सत्संग सुनने के लिए आने देते हैं, यहाँ पहुँचने देते हैं। तो कितने गुरु भी बड़े डरपोक हैं, वो सोचते हैं दूसरे गुरु के सत्संग में जाएगा तो हमारा चेला हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर मैं किसी का चेला थोड़े निकालता हूँ, मेरे निकाल कर क्या करूँगा। मैं तो आपके गुरु को भी धन्यवाद देता हूँ, यदि आपको गुरु न मिला होता तो आप बिगड़ गए होते, अब बिगड़ गए होते तो आज इस सत्संग में भी ना आए होते। इसलिए आपका गुरु महान है, धन्यवाद का पात्र है, जिसने जितना ज्ञान दिया, थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, बहुत दिया, कम दिया, मीडियम दिया, लेकिन कुछ तो दिया, और उसके ज्ञान से तुम आज यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ और ज्ञान प्राप्त करो और अपने गुरु का नाम भी रोशन कीजिए। आपका गुरु तो ऐसे है जैसे क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर, और मैं ऐसे हूँ जैसे ट्यूशन कोचिंग टीचर, और ऊपर से ट्यूशन पढ़ा देता ताकि डिक्टेशन मार्क आ जाए, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 99% आ जाए। इसलिए हम मैनपुरी में कोचिंग पढ़ाने आते हैं, दो दिन तीन दिन पढ़ा के निकल जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिकता और संत प्रेम सत्संग में रस, ये मैनपुरी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं लखीमपुर, पीलीभीत, रामपुर,
बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, सब सत्संग किया, आगरा सत्संग किया, इधर रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, जालौन, हमीरपुर, सोनभद्र, रावर्ट्सगंज, वाराणसी, सब सत्संग किया, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, नानपारा, नेपाल, पूरा सत्संग किया। लेकिन तुम किसी को बताना मत, मैनपुरी में विशेष ज्यादा श्रद्धा भाव है, दूसरे जिले वालों को मत बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे, सोचेंगे हमका थर्डम डाल दी।